हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ सुरेंद्र। और दोस्तों, यहाँ पर शुरू की गई है एनसीईआरटी, जो कि कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी। और इनमें से सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि बात करें अपन यूपीएससी, तो यूपीएससी में भी एनसीईआरटी का बड़ा महत्व है दोस्तों। अगर आप टीचर्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर भी जो जीके वाला सब्जेक्ट है उसमें, और साथ में अगर आप कंप्लीट कराएंगे ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी अगर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पर भी इसका इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है। तो यहाँ पर आज शुरू करेंगे अपन क्लास 6, क्लास 6 की ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन। तो दोस्तों, अच्छे से देखना, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लास्ट में, उनके जवाब भी आप अच्छे से देना, ताकि आपका रिविजन भी अच्छे से हो सके। देख, यहाँ पे बता देता हूँ स्लाइड्स में मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। ये आज इसमें पूर्णिमा और जो अमावस्या है उसके बारे में, नक्षत्र और ग्रहों के बारे में पूरी अध्ययन करेंगे, ध्रुव तारे के बारे में देखेंगे, सौर मंडल के बारे में भी अपन अच्छे से देखेंगे। और साथ में दोस्तों, इसमें अपन में क्या क्या बताने वाला हूँ, ये चीजें देख लीजिए आप। ज्योग्राफी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और जो ग्रह है वो किस प्रकार चमकते हैं, शुद्र ग्रह क्या होते हैं, आकाश गंगा क्या होती है, आकाश गंगाएं कितनी हो सकती है, और अंत में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। क्लास 6 की ज्योग्राफी है दोस्तों। तो सबसे पहले है जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें दे रखा है पूर्णिमा। तो दोस्तों, पूर्णिमा क्या होती है, अमावस्या क्या होती है, ये सारी चीज इसमें। जब भी महीना शुरू होता है, तो दोस्तों उसमें दो पक्ष होते हैं। आपने सुना होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो और जीवन सामान्य बीता हो, तो आपको पता होगा एकम, द्वितीया, तृतीया, चौथा भी, गांव में कई लोग चौथ का व्रत भी रहते हैं। तो एकम से महीना शुरू होता है। अब देखते हैं, सबसे पहले दो दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब आपको ध्यान रखना है पहले कौन सा पक्ष आता है। दोस्तों, पहले महीने में कृष्ण पक्ष आता है। अब आपको देखो, भगवान पहले आएंगे तो कृष्ण पहले आ जाएगा, शुक्ल बाद में आएगा। तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हो। तो पहले कृष्ण पक्ष शुरू होगा, फिर इसमें है ना, एकम, द्वितीया, तृतीया शुरू होगी, 14, और जो 15वां दिन आएगा, तो 15वां दिन आता है उसको बोलते हैं दोस्तों अमावस्या। क्या आता है, अमावस्या। अमावस्या को क्या है, उस दिन काली रात होती है। अब यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, दिवाली, दिवाली जो पर्व आता है, दिवाली अब आने ही वाला है वैसे भी। तो दिवाली क्या है, अमावस्या के समय पर आती है। आपको पता होगा, श्री रामचंद्र जी जब अपना वनवास काट कर वापिस आए थे, तो अमावस्या के दिन आए थे। धनतेरस आती है, फिर 14, और फिर अमावस्या। अमावस्या उस दिन काली रात होती है। काली रात होने की वजह से दीपक जलाए जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि इसको दीपकों का त्योहार क्यों कहते हैं, दिवाली को, क्योंकि ये अमावस्या के दिन आती है। तो अमावस्या पहले आ जाएगी, और इस दिन है ना अंधेरा रहता है, चंद्रमा ना के बराबर दिखाई देता है। फिर जो पड़वा आती है, एकम आती है, उस दिन थोड़ा थोड़ा चंद्रमा बढ़ता 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 जाएगा। और फिर जब 15 दिन पूरे हो जाएंगे, उनके बाद आएगी पूर्णिमा। अब पूर्णिमा क्या होती है, इस चीज में समझा दूं, पूर्ण मतलब पूरा चंद्रमा होगा, उस दिन पूर्णिमा होगी। तो पूर्ण चंद्रमा से मिलकर पूर्णिमा बनी है, जैसे पूर्ण और चंद्रमा से माँ, चंद्रमा, तो पूर्णिमा हो गई। इस दिन रात को अधिक उजाला होता है, और ये आती है शुक्ल पक्ष में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कौन से पक्ष में आती है, शुक्ल पक्ष में, क्योंकि कई सारे एग्जाम होते हैं जिनमें यही पूछा जाता है कि पूर्णिमा कौन से पक्ष को आती है, या फिर दिवाली, दिवाली कौन से महीने में आती है, हिंदी के चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, पौष, माघ, फागुन, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। हिंदी में महीने भी याद होना चाहिए। जिसको भी हिंदी में महीने याद है, वो कमेंट बॉक्स में जरा एक बार जरूर लिखना, पूरे चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ सारे लिखना है दोस्तों। और अभी कौन सा महीना चल रहा है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अब बताते हैं खगोल पिंड। तो खगोल पिंड क्या होता है, चंद्रमा है, सूर्य है, या अन्य कोई वस्तु है, या रात को जो चमकते हुए तारे हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, खगोल पिंड कहलाते हैं। अगर आप क्लास 6 के विद्यार्थी हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। हो सकता है आपकी क्लास में इतना बढ़िया से नहीं बताया गया हो, और अच्छे से बताया है, तब भी एक बार आप देखोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। नक्षत्र मंडल क्या होते हैं, कई बार ये भी आपके दिमाग में आता होगा कि नक्षत्र मंडल क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये तारों की जो विभिन्न आकृतियां होती है,
वह नक्षत्र मंडल कहलाती है। जैसे आपने ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे चम्मच जैसा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके देखी होगी आपने आकाश में तारों की आकृति। इसको बोलते हैं उर्षा, उर्षा मेजर, आगे बात करेंगे, उर्षा मेजर बोलते हैं दोस्तों इस आकृति को। ऐसी बहुत सारी आकृतियां बनती है आकाश में, जब रात को आप देखोगे तो जरूर नोटिस करना। उसको हिंदी में उषा मेजर को सप्तऋषि बोलते हैं, सात तारों का समूह है ऐसे करके, ये चार पांच छह और सात इस प्रकार की आकृति बनती है। इसको हिंदी में अपन सप्तऋषि कहते हैं, और पुरानी कथाओं में भी लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मा जी है उनके साथ बैठे थे, फिर वो सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं। तो तारों की जो विभिन्न आकृतियां होती है उन्हें नक्षत्र मंडल बोलते हैं। तो अब ये नक्षत्र मंडल कौन कौन से, उर्षा मेजर होता है, बिग बियर होता है, बिग बियर का मतलब है दोस्तों जो भालू जैसी आकृति दिखाई देती है, तारों की भालू जैसी आकृति बनती है आकाश में, उसको बिग बियर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये सप्तऋषि वाला इंपोर्टेंट है, इसको उर्षा मेजर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, ये वाली आकृति है ये अभी दिखाई देगी आपको, इसमें ये ध्रुव तारा भी दिखाई दे रहा है। ध्रुव तारा कहाँ पर दिखाई देता है, जो उषा मेजर है, उषा मेजर की जो आकृति है तारों की उसमें दिखाई देता है। ये यहाँ पर पूरी चीज बता दूं मैं आप, ये एक दो तीन चार पाँच छ और सात, ये जो सात तारे हैं ये उषा मेजर के हैं सात तारे। और जो इस सीधे अगर अपन यहाँ अपन खड़े हैं, कलर चेंज कर लेते हैं अपन यहाँ पे, ये लो यहाँ पर अगर अपन खड़े हैं यहाँ से देखेंगे तो ये जो दो तारे हैं इसकी सीधाई में जो दिखाई देगा वो तारा है ध्रुव तारा, और हमेशा ध्रुव तारा उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्रुव तारा कौन सी दिशा में होता है, तो ध्रुव तारा होता है उत्तर दिशा में। ठीक है, जब पश्चिम से आप देख रहे हो ये इस वाली ये देखो, ये हो गई उत्तर दिशा हो गई, इसको नॉर्थ बोलते हैं हिंदी में, इसको साउथ बोलते हैं और हिंदी में दक्षिण, दक्षिण बोलेंगे इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं सॉरी, इसको वेस्ट, इसको बोलेंगे ईस्ट पूर्व, और इसको बोलेंगे वेस्ट। ये पश्चिम दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई, ये उत्तर और ये दक्षिण दिशा। तो जो ध्रुव तारा होता है वो नॉर्थ दिशा में होता है या उत्तर दिशा में होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब ग्रहों के बारे में, तो दोस्तों ग्रह क्या है, अपने प्रकाश से नहीं चमकते हैं पहली बात, तो दूसरी बात ये है जो ये बड़ा तारा होता है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेनेटाई। प्लेनेटाई दोस्तों ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब क्या होता है, चारों ओर घूमने वाला। तो जैसे ये सूर्य है और इसके और दूसरे तारे हैं, कौन कौन से तारे हैं सारी चीजें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार आपको इनको ट्रिक से याद करना है। ये है अपना सौर मंडल, सौर मंडल में ये हो गया सूर्य, पहला जो ग्रह है वो हो गया बुध, ये बुध हो गया। जिसके बाद देखो इसको नाम बता दे, कैसे याद, ट्रिक बता देता हूँ ट्रिक से कैसे याद रखना है आपको। ट्रिक बसपा, एक पार्टी बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी, उसकी अध्यक्षा है मायावती। तो ये आपको याद रखना है BSPM, मतलब यहाँ बुध है, जिसके बाद दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है और चौथा मंगल ग्रह है। तो ये ध्यान रख लेना है आपको, जो सूर्य के पास से पृथ्वी का तीसरा नंबर है, पहले बुध फिर शुक्र और फिर पृथ्वी, ठीक है, फिर जिसके बाद आएगा मंगल। दोस्तों ये दिख रहा होगा आपको मंगल, इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कौन से, इनको क्या क्या नाम से जाना जाता है, एक तो पार्थिव ग्रह और दूसरा आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है या इंटरनल प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। ये चार ग्रह, ये क्योंकि सॉलिड स्टेट में होते हैं इसलिए पार्थिव, पृथ्वी जैसे होते हैं, और जो दूसरे ग्रह है बाकी के जैसे शुक्र, यूरेनस है, नेपच्यून है, बृहस्पति है, ये क्या गैसीय फॉर्म में, और इनके बीच में शुद्र ग्रह पाए जाते हैं। किस किन किन के बीच में, ये मंगल ग्रह है और जो शुक्र ग्रह भी नहीं, मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति ग्रह है, इनके बीच में एक लेयर पाई जाती है, मतलब ऐसे रिंग जैसी, तो उसमें शुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो कहीं भी पूछ लिया जाए तो कि शुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, किन किन के, मंगल ग्रह और बृहस्पति के। तो आपको, आपने पहले तो याद रख लिया BSPM,
ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी जिसकी अध्यक्षा मायावती, फिर याद रखना है BS PN, नहीं UN, UN याद रख लो। ये बृहस्पति हो गया, फिर इसके बाद ये हो गया शनि, और फिर जिसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। तो BSP, यहाँ भी BSE है शुरू में, तो फिर यूएन, यूरेनस और नेपच्यून, तो सारे 8 ग्रह याद हो गए होंगे। पहले 9 ग्रह थे प्लूटो को, प्लूटो को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से निष्कासित कर दिया। 2006 में जो भूगोल शास्त्रियों की मीटिंग हुई थी उसमें इसको अलग कर दिया, इसको बोना ग्रह घोषित कर दिया, ग्रह की श्रेणी में अब नहीं रखा है। तो ये चीज़, सारी चीजें आपको पता हो गई होगी, है ना, अब समझ में आ गया होगा। अब आगे बताते हैं, ये बता ही दिया ध्रुव तारा वाला, ये वापिस ग्रह के बारे में है, कौन सा है, ये सूर्य हो गया, फिर बुध ग्रह। जो बुध है वह सूर्य की जो एक परिक्रमा, परिक्रमा क्या होती है और परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमा परिक्रमा और घूर्णन में अंतर, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कई बार समझ में नहीं आता। परिक्रमा तो जैसे अब मैं मान लेते हैं बृहस्पति की, बृहस्पति की परिक्रमा करेंगे तो ऐसे करेंगे पूरे चारों ओर, ठीक है। और जो घूर्णन होता है, घूर्णन होता है ये इसी से ऐसे करके या अपने ही सर, अपने ही अक्ष पे घूमेगा, तो उसको बोलते हैं घूर्णन। तो पृथ्वी 23 घंटे और नहीं, हाँ 23 घंटे और कुछ मिनटों में अपना घूर्णन पूरा करती है, और 365 दिन और 6 घंटे में अपनी परिक्रमा पूरी करती है। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। सब जो बुध है वो 88 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी करता है और 59 डेज में अपना घूर्णन पूरा करता है। तो ये सारी चीजें आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको तो पृथ्वी के बारे में याद रखना है। अब ये यहाँ पर है कि ज्योग्राफी का जो उद्भव है वह कहाँ से हुआ है, तो दोस्तों ये है ज्योग्राफी, एक अंग्रेजी शब्द बताया है, अंग्रेजी शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण, पृथ्वी का विवरण, जिसे दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जियो, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना, तो पृथ्वी के बारे में विवरण लिखना ज्योग्राफी हो जाता है। अब जियो के आगे अगर ये प्रत्यय लगाए हुए हैं, जो अगर उपसर्ग लगा दिया जाए तो इन वर्डों में, जैसे जियोलॉजी, तो जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। अगर जियोमेट्री कर दिया जाए तो पृथ्वी के मापन का अध्ययन होता है, जियोमेट्री अपन गणित में पढ़ते ही हैं। और जो आयड कर दिया जाए तो पृथ्वी के आकार के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर आर्यभट्ट प्राचीन जो भारत का खगोल शास्त्री थे, उन्होंने कहा कि ग्रह है ना अपने प्रकाश से नहीं चमकते हैं, ये सूर्य या अन्य तारों के प्रकाश से चमकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज बता देते हैं आपको कि ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है और मानव निर्मित उपग्रह में क्या अंतर है दोनों में। तो ये एक खगोल पिंडी होता है जो किसके, ग्रह के, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार उपग्रह ग्रह का चक्कर लगाता है। जैसे ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा, तो ये पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के चारों ओर चक्रमा कौन लगा रहा है, चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या कहलाएगा, पृथ्वी का उपग्रह। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये बताना जरा आप कि कौन से ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है, कौन से ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर मैं जवाब अगले वीडियो में दूंगा। और मानव निर्मित उपग्रह क्या होता है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा द्वारा बनाए जाते हैं, पहली बात क्या है, ये कृत्रिम होते हैं और वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे लॉन्च किसके द्वारा किया जाता है, रॉकेट के द्वारा। अब रॉकेट जिसमें दो होते हैं PSLV और GSLV, तो ये होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ध्यान रखना है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और ये होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। दोस्तों जरा आप ये भी बताना कमेंट बॉक्स में कि जो अभी चंद्रयान 2 भेजा गया है वो कौन से लॉन्चिंग व्हीकल द्वारा भेजा गया है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल द्वारा भेजा गया है या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल द्वारा भेजा गया है। अब एक शुद्र के बारे में बता दें, शुद्र ग्रह क्या होते हैं, तारों और उपग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड होते हैं
जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? शुद्र ग्रह। शुद्र ग्रह कौन से दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? ये मैंने आपको बताया था, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। तो मंगल तो पार्थिव ग्रह हो गया, या आंतरिक जो आंतरिक ग्रह हो गया, और बृहस्पति बाह्य ग्रह होता है क्योंकि गैसों से बना हुआ होता है। सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति ही है, जुपिटर। आपने जुपिटर, चाचा चौधरी कॉमिक्स तो पढ़ी होगी। चाचा चौधरी की कॉमिक्स में जो एक करेक्टर आता है, आपको पता हो, शाबू। शाबू जुपिटर ग्रह का ही है। उसमें कहा जाता है कि साबु जुपिटर ग्रह से आया हुआ है। तो शुद्र ग्रह इस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैंने पिक्चर भी आप लोगों को अच्छे से दिखा दी है। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं, जो कभी कभी पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं। पर दोस्तों, पृथ्वी पर वायुमंडल है, इस वजह से इस वायुमंडल में ही ये अधिकतर तो जल जाते हैं। पर फिर भी कोई आकर पृथ्वी पर गिरता है तो फिर इसका अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक देखते हैं कि इसका उत्पत्ति कैसे हुई होगी, उसी से अंदाज लगाते हैं कि शायद पृथ्वी की उत्पत्ति भी ऐसे ही हुई होगी। यह है आकाशगंगा। दोस्तों, आकाशगंगा का मतलब है लाखों ग्रहों का समूह, लाखों तारों का समूह। जो आकाशगंगा है, इसमें अपना सौर मंडल है। इसी प्रकार के इसमें कई सारे सौर मंडल होंगे। इसलिए वैज्ञानिक कोशिश करते रहते हैं एलियंस के बारे में, दूसरे ग्रहों के बारे में, कहीं दूसरे ग्रह पर जीवन तो नहीं है। ये सारी यहाँ पर बताया गया है, सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा क्यों पड़ा? इसका कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के तरह ये दिखाई देती है, इस वजह से इसको आकाशगंगा कहा जाता है। मिल्की वे, क्योंकि दूर ये सफेद सफेद दिखाई देती है, मिल्की वे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में आकाशगंगा बोलते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं चैप्टर के अंतिम में इसके क्वेश्चन आंसरों के बारे में। क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्रह और तारे में क्या अंतर होता है? तो ग्रह तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है, ग्रह अपने प्रकाश से नहीं चमकता है, जबकि तारे अपने प्रकाश से चमकते हैं। ग्रह तारों के प्रकाश के जो परिवर्तन होता है या वहाँ आता है प्रकीर्णन होता है, उनकी वजह से चमकते हैं। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? तो अपने जो आठ ग्रह है और सूर्य है तो सौर मंडल कहलाता है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम बताइए। तो मैंने आपको बता ही दिया था, एक बार फिर बता दूं, BSP मायावती, BSUN। यहाँ ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। आप अगर क्लास सिक्स के विद्यार्थी हो तो याद रखना है, अगर आप UPSC के विद्यार्थी हो तब भी ये याद रखना है। यहाँ से बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, मंगल, फिर बृहस्पति, शुक्र, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये आठ ग्रहों के नाम आपको सीरियल से पता हो गए। सबसे पहले बुध आ गया, जो सूर्य के सबसे पास है, और नेपच्यून सबसे दूर वाला ग्रह है जो सूर्य के चक्रमा लगाते हैं या सौर मंडल में है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है, ऑक्सीजन है, वायुमंडल है, गुरुत्वाकर्षण है। इस वजह से हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि ये अपने अक्ष पर घूमता रहता है। ठीक है, अपने अक्ष पर घूमने की वजह से पृथ्वी के सामने एक ही भाग आ पाता है, इस वजह से एक ही भाग को देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड लाखों तारों, ग्रह, आकाशगंगाओं का समूह है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा दी। अब आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों के जवाब। पहला है, किस ग्रह को पृथ्वी के जूड़ा ग्रह के नाम से जाना जाता है? दूसरा है सूर्य से। तीसरा, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? चौथा क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? शुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ये सारी चीजें अपन ने अच्छे से डिस्कस किए, और इन सब का आपको अच्छे से कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। एक बार पूरा वीडियो अपन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने बात की दोस्तों पूर्णिमा के बारे में, फिर अमावस्या के बारे में बताया, फिर महीने के जो शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, उनके बारे में बताया। दिवाली कब आती है वो देखी अपन ने, फिर देखा अपन ने खगोल पिंड क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, और ग्रह जो प्लेटिनाई वर्ड है वो कौन सी भाषा का है। जिसके बाद देखा अपन ने क्रम वाइज सौर मंडल के उपग्रहों के बारे में, कौन सा उपग्रह सबसे बड़ा है ये देखा, सबसे छोटा कौन सा है वह देखा।